Now we'll discuss few cases of orientation of dipole in external electric field. तो अगर एक dipole various positions में रखा हुआ है, इस condition में dipole और electric field, ये electric field की direction है, इस direction में are parallel to each other. इस position में dipole और electric field are perpendicular. इस position में dipole की direction minus q से plus q और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दे आर एंटी पैरेलल. और इस पोजीशन में भी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री के बराबर है. इन वेरियस पोजीशंस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क निकालें, पहली पोजीशन में डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है, एंड देयरफॉर इस पोजीशन में जो लगने वाला टॉर्क P क्रॉस E जीरो हो जाएगा, और इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E के बराबर होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो है, तो माइनस P कॉस जीरो विल बिकम इक्वल टू माइनस P. सेकेंड पोजीशन में जबकि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस कंडीशन में थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो P क्रॉस E P साइन 90 PE के बराबर हो जाएगा. इस पोजीशन पे डायपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू पीई, और टॉर्क क्या करेगा, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर देगा. और इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पोजीशन पे थीटा 90 है, तो माइनस पी कॉस 90 विल बिकम इक्वल टू जीरो. थर्ड कंडीशन में जबकि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी. इस पोजीशन में भी टॉर्क की वैल्यू पीई साइन 180 जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस 180 विल बी इक्वल टू प्लस पी. एंड फाइनली फोर्थ ओरिएंटेशन में डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगेन एंगल 90 डिग्री है. इनफैक्ट अगर इस एंगल को हमने 90 डिग्री ले लिया, तो इस एंगल को हमें 270 डिग्री लेना चाहिए. यहां पे डायपोल की डायरेक्शन से अगर हम एंगल लें, तो ये एंगल 90 डिग्री है. जब डायपोल को हमने इसके एंटी पैरेलल कर दिया, तो ये एंगल 180 डिग्री हो गया. इस डायपोल को हम फर्दर रोटेट करें, तो इस बार ये एंगल दिया जाएगा, एंड दिस विल बी 270 डिग्री. इस पोजीशन में जो टॉर्क लगेगा, दैट विल बी माइनस पी. अब ये माइनस पी का क्या मतलब है, ये डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो ये क्लॉकवाइज घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा. दस ये डायपोल क्लॉकवाइज घूमेगा, इसके ऊपर टॉर्क पी ई लिया गया था, और इस डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो ये डायपोल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा. दस एक डायपोल क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक डायपोल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. इसके ऊपर टॉर्क अगर पी बोला गया था, तो इसके ऊपर टॉर्क हम माइनस पी बोलेंगे, और इस पोजीशन में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर ली जाएगी. अब फर्स्ट कंडीशन में और थर्ड कंडीशन में, दोनों कंडीशन में टॉर्क जीरो है. नेट फोर्स तो हर पोजीशन में जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में टॉर्क भी जीरो है. इसका मतलब ये दोनों पोजीशन इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होंगी, लेकिन पहली पोजीशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरी कंडीशन को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. तो उस इक्विलिब्रियम में जहां पे फोर्स जीरो होता है, अगर उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. और उस पोजीशन में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. मतलब अगर इस डायपोल को हम इस पोजीशन में छोड़ दें, तो ये इसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन अगर इस डायपोल को हम इस पोजीशन में छोड़ दें, इसको अगर हल्का सा भी हिला दिया जाए, तो ये घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा.